गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पूर्व के वीडियो में हमने राजनीतिक संचार का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। कुछ एजेंसीज के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम इसी परिपेक्ष में आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे कि जो इसकी जो एजेंसीज हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें हम आज देखेंगे कि राजनीतिक जो संचार है उसमें किस तरह के अनौपचारिक और प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। तो इसके बारे में जैसे कि मेन बात ये होती है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति का व्यक्ति से अनौपचारिक और प्रत्यक्ष संपर्क भी राजनीतिक संचरण का अभिकरण कहलाता है, और ये अभिकरण प्रत्येक प्रकार के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। जैसे राजनीतिक संचार के जो जनसंचार के जो अभिकरण हैं वो भी इतने प्रभावशाली नहीं होते जितना कि ये जो व्यक्तिगत संबंधों वाला अभिकरण होता है, क्योंकि राजनीतिक घटनाओं की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ज़्यादातर राजनीतिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जिन व्यक्ति ये इस तरह के जो कहते हैं ना अपन नेता टाइप होते हैं, तो वो दूसरे व्यक्तियों को अपने इन्फ्लुएंस में ले आते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राजनीतिक संचार के अभिकरण के रूप में इन व्यक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जाते आते हैं, जिनके कारण राजनीतिक सूचनाएं भी इधर उधर जाती हैं। इसी कारण इन्हें राजनीतिक व्यवस्था की प्राणवायु भी कहा जाता है। फिर है राजनीतिक व्यवस्था में, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार की क्या भूमिका होती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को क्या होता है महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार ही वह महत्वपूर्ण साधन होता है जो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, वही राजनीतिक जागरूकता लाकर राजनीतिक विकास को गति देता है, और इसमें जो संचार के साधन है वो महत्वपूर्ण होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो राजनीतिक संचार के अभिकरण ही व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करते हैं, जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वातावरण तैयार करते हैं, और जो राजनीतिक संचार द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्य किए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से हम चर्चा कर सकते हैं कि वह जैसे राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है, राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था व उसकी संरचनाओं के लिए स्वस्थ जनमत का निर्माण करता है, राजनीतिक संचार राजनीतिक विकास को गति देता है, राजनीतिक संचार जनता में राजनीतिक चेतना और जागरूकता का स्तर ऊंचा करता है, राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था के लिए विशेष और अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संचार देश का सम्मान बढ़ाता है। तो राजनीतिक संचार की अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि राजनीतिक संचार की राजनीतिक प्रक्रिया में क्या भूमिका है। इसमें अब हम देखेंगे कि राजनीतिक संचार जो होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, वो प्रक्रियात्मक माध्यम से किया जाता है। कई प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं राजनीतिक संचार को पूरा करती हैं, जैसे कि राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था के निर्वेश निर्गत जो संबंधी कार्य हैं उसको निष्पादित करती है। इसमें राजनीतिक संरचना की का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजनीतिक संचार ही राजनीतिक प्रक्रिया को गतिशील बनाकर राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। जैसे कार्ल ड्यूश ने राजनीतिक व्यवस्था में प्रक्रियात्मक संरचनाओं के संचालन के लिए एक नया सिद्धांत पेश किया, जिसे हम राजनीतिक संचार का सिद्धांत कहा जा सकता है।
कार्ल ल्यूश का कहना है कि अपने क्रियात्मक रूप को व्यावहारिक व गतिशील बनाए रखने के लिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को सूचना प्रवाहों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि इंफॉर्मेशन वेब की जरूरत पड़ती है, और जिसके द्वारा राजनीति और सरकार अपने निर्धारित जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर पाता है। इन प्रक्रियाओं का जो हम अध्ययन करते हैं, रेगुलर जो अध्ययन किया जाता है, डायनेमिक जो अध्ययन है, वो ही राजनीतिक संचार होता है। इसके लिए उन्होंने कुछ अपनी कंसेप्ट बताए हैं, परिकल्पना बताई हैं, हाइपोथेसिस बताए हैं। वो ये हैं कि एक तो परिचालन संरचनाओं से संबंधित संकल्पनाएं, प्रवाहों और संक्रियाओं से संबंधित संकल्पनाएं, परिणामों से संबंधित संकल्पनाएं और विशिष्ट संकल्पनाएं। तो इस तरह के कुछ संकल्पनाओं की चर्चा की है। इन संकल्पनाओं के आधार पर कार्ल ड्यूश ने अपना संचार सिद्धांत खड़ा किया है और उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की क्रियात्मकता पर अपना प्रभाव बताया है। उनका कहना है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रक्रियात्मक ढांचा है वो घरेलू और विदेशी व्यवस्थाओं से, घरेलू मतलब जो लोकल हैं, और बाहर की विदेशी व्यवस्थाओं से सूचना प्राप्त करता है। उसके बाद सूचना की जांच पड़ताल और काटछांट होती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सूचनाओं के स्वागत और जांच पड़ताल के लिए क्या करते हैं कि वो एक रिसेप्शन होता है, स्वागतकर्ता तथा स्वागत व्यवस्था, जिसे कि हम रिसेप्शन कहते हैं, पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो रिसेप्शन पर जो सूचनाएं आती हैं वो उनको क्या होता है, पूर्व में जो परंपराएं चली आ रही हैं उनसे वो जोड़ देती है। तो मूल्यों को जोड़ करके, मूल्यों को निर्धारित करने वाली सूचनाएं, फिर क्या होता है कि क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, फिर उन पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रख करके निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये प्रवाह करती हैं सूचनाएं, सूचनाएं जो प्रवाह होती हैं, फिर क्या होता है कि वो सिस्टम में जाती हैं, जनता तक आती हैं, फिर जनता के द्वारा, फीडबैक के द्वारा, ये वापस से फिर सूचना प्रवाह के द्वारा इनपुट होता है, और इस तरह से ये निरंतर गति रूप सूचना प्रवाहों का निरंतर चलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप मान लो कहीं भी जाते हो तो एक रिसेप्शन होता है, आपने बात करी कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, रूम खाली है क्या, तो वो क्या करेगा, सिस्टम को चेक करता है। फिर दूसरा कि भाई सिस्टम में आपका आता है कि हाँ भाई आपके लिए जगह खाली है, उस सिस्टम में फिर आपको एक डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, आपकी अप्रोच के अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में उस पर डिसीजन लिया जाता है, फिर वो बताया जाता है कि दिस रूम इज अवेलेबल, दिस पर्सन दिस रूम इज, तब आप डिसीजन लेते हैं कि ये हमें सूट करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह से ये जो कंटिन्यूटी चलती रहती है। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मान लो अभी आपने कोई भी, जैसे कोविड के लिए गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, तो आपके पास में डिसीजन आते हैं कि आज फला दिन इतने दिन इतने दिन लॉकडाउन रहेगा, तो सिस्टम में ये बात आती है, पहले उसके लिए पूरी मंथन किया जाता है कि कौन सा एरिया कितने दिन कैसे बंद रहेगा, फिर उसके बाद में डिसीजन होता है, फिर वो फ्लो चार्ट के द्वारा वापस जनता में आ जाता है, और जनता की जो रिएक्शंस होते हैं फिर वो डिमांड एंड सपोर्ट के रूप में फिर सिस्टम में जाता है। तो इस तरह से ये जो होता है ये लगातार चलता रहता है, कभी भी ये खत्म ना होने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसमें ये होता है कि ये जो फ्लो नेटवर्क कहते हैं इसको, संचार का ताना बाना कहते हैं। तो कोई भी जो चैनल होता है जिसके द्वारा सूचनाएं भेजी जाती हैं, तो यदि कोई भी सिस्टम किसी भी इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कर लेता है, तब तो वो सिस्टम कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर सिस्टम में रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आ रहा है तो वह सिस्टम फेल होने की स्थिति में आ जाता है। तो इस तरह से सिस्टम के रिस्पॉन्स, जो ये डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, फीडबैक के द्वारा वापस से उसमें सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। किसके द्वारा, इनपुट के द्वारा। तो कार्ल ड्यूश ने नॉर्बर्ट वीनर से ये धारणा ग्रहण की थी और उन्होंने ये बताया था कि अगर सिस्टम में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आती हैं, यदि सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता है
तो वह पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है। यदि सिस्टम नेगेटिव तरीके से उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो सिस्टम नेगेटिव फीडबैक चला जाता है। तो इसी कारण से जो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, कार्ल ड्यूस का मानना है कि नेगेटिव फीडबैक ही की व्यवस्था का आंतरिक संतुलन कम करके उसे गतिशील बनाए रखती है। कुछ विद्वानों ने नेगेटिव फीडबैक को संचार सिद्धांत की आत्मा कहा है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा कि जैसे मान लो कि कोई सिस्टम अपने निर्णय या डिसीजंस को, निर्गतों को नियमित करके वांछित लक्ष्य, मतलब क्या होता है कि अगर वो रेस्पॉन्स, मतलब नेगेटिव फीडबैक का मतलब है जनता विरोध कर रही है, तो फिर वापस से वो सिस्टम में जाता है और फिर वापस से उस पर कार्रवाई होती है और वापस से, मतलब उससे क्या होता है कि वो चालू रहता है, मतलब फ्लो में रहता है, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम का नेटवर्क है वो लगातार चलता रहता है। किसी भी चीज़ को हम बहुत अधिक अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, कुछ विशेष कंसेप्ट होते हैं कि भाई उनके द्वारा हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लो कुछ चीज़ें हमारी हैं कि भाई हम देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो अगर सिस्टम में हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं और उसने और वो सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा होता है, सारे जो सिस्टम है उसको फ्लो चार्ट से जोड़ करके ये देखा जाता है कि उसकी सिस्टम की एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जितना अधिक फ्लो चार्ट, जितना अधिक मूव गवर्नमेंट और जनता के बीच में होगा, पब्लिक के बीच में होगा, उतना ही राजनीतिक प्रक्रिया का संचालन ज़्यादा हो पाएगा। तो क्लियर है बिल्कुल। इसके आगे अब हम तो ये सारी जो चीज़ें थी कि भाई अब हमने देखा कि किस तरह से सिस्टम काम करता है, किस तरह से जो है वो राजनीतिक संचार, कार्ल ड्यूश की जो डेफिनेशंस हैं, कार्ल ड्यूश का जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इसका सार यही है कि एक तो इसमें इनपुट आउटपुट फीडबैक की बात की जाती है और दूसरी बात इसमें फ्लो चार्ट की बात की जाती है। कोई भी जो सिस्टम है वो तभी प्रॉपर काम कर सकेगा जब उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों जो फीडबैक हैं वो उसको प्रॉपर मिलते रहेंगे। आशा है ये वीडियो आपको लिए फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।